मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। बस आगे कहना चाहेंगे कि अच्छा काम करते रहें और पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल जी, रवि किशन जी के साथ काम करने का मौका मिले। कौन खेसारी दिनेश की फिल्में देखे हो कभी? हाँ, दिनेश जी की भी मैंने फिल्म देखी है काफ़ी, जैसे निरहुआ के जो भी कलेक्शन है सभी देखे हैं, और निरहुआ चले ससुराल है, और पवन भैया की योद्धा हो गई, और भैया की साली उड़निया वाली है, क्रेक फाइटर है, अभी देखी नहीं है लेकिन ट्रेलर वगैरह देखा है कि अच्छा फिल्म जा रहा है। मुंबई में कहाँ रह रहे हैं? मैं मुंबई अभी तो इसमें नए गांव रह रहा हूँ जी। कितना संघर्ष करना पड़ा मुंबई में हीरो बनने के लिए? बहुत ज़्यादा जी। रवि किशन पहले दूध और पेपर बेचते थे जी, आप कुछ काम करते हैं मुंबई में? नहीं, ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ भूखा रहना पड़ा है जी। कैसे? फिल्मी लाइन का बहुत चढ़ा, बॉम्बे आया, काम करने के बाद भी आया तब भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं मुझे जी। क्यों भूखा क्यों, क्या वाक्य था उस टाइम पे? अक्सर ये होता है ना कि घर वालों से पैसा बार बार मांगो, तो ये दिक्कत नहीं थी कि घर से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैं सोचता था कि घर वालों को ये ना लगे कि मेरा लड़का 4 साल से काम कर रहा है फिर भी उसको पैसे की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कभी कभी नहीं बोल रहा हूँ घर से। कभी ये बात घर में बताए हो? वैसे मजाक वगैरह में चल जाता है कि ऐसे हीरो नहीं बन सकता है कोई, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, और मुंबई में मैंने सुना है कि जब तक कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा तब तक कुछ कर नहीं पाता, जब तक मुंबई ने अपनाया ही नहीं है। मुंबई ये सुनकर तुम भूखे प्यासे रहे हो जी? सुनकर कर रहे हो कि इसी रहे? हालात ही ऐसे हुए कि मैं ये नहीं चाहता कि घर वालों को तकलीफ हो कि मेरा लड़का इतना कुछ करने के बाद जो घर आता है, इतने लोग मिलने आते हैं, फोटो खींचने, उसके बाद भी उसको भूखा रहना पड़ रहा है, उसके पास पैसे की दिक्कत है, इसलिए जी। मेरे कई सारे दोस्त हैं, श्रियांश हैं, वी एक्टर हैं, श्रियांश सिंह हैं, महेश भाई हैं, अमित हैं, और शहनवाज भैया हैं, और संजय भैया हैं जो मीडिया पी आर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका ही रहता है अक्सर। तो किसी बॉलीवुड हीरो का सपना देखते हो? हीरो बना, पर्दे पर बड़े एंट्री होगा जी? सपना देखने में तो कुछ नहीं जाता है, सपना देखता हूँ कि मुझे बॉलीवुड भी करना है, हिंदी किया हूँ लेकिन वो क्या है, कम बजट का किया हूँ, लेकिन करना है बॉलीवुड भी करना है, लेकिन मेन मकसद भोजपुरी का है पहले। आज तक कोई डायरेक्टर ये नहीं बात बोला कि तुम एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आते, तुम हीरो नहीं बन सकते हो? अभी नहीं, समय कोई नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि सुधार लाओ जी। एक्टिंग अच्छी आती है, तारीफ करता है? हाँ, एक दो फिल्म पे तो काफ़ी तारीफ किया कि 1 टेक या 2 टेक में दे देते हो, अच्छा है, लेकिन और करो, सीखो। बॉलीवुड में किस हीरो को सबसे ज्यादा मानते हो, जिसका कॉपी करते हो? कॉपी नहीं करता हूं, लेकिन मैं सलमान खान जी को, सनी देओल जी को, अक्षय कुमार, अजय देवगन जी को, सिर्फ 4 हीरो को मानता हूं जी। क्या उनमें क्या कुछ खास बातें नजर आती हैं? उनका एक अलग है काम करने का तरीका, जैसे उनके डांस को फॉलो करते हो, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग को फॉलो करते हैं कि वो सभी तरह का एक्टिंग करते हैं। हाँ। और वो किंग है इंडस्ट्री के, और सनी देओल जी को तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि वो खेसारी लाल जी से मिले हो? मिला हूँ मैं दबंग सरकार की शूटिंग पे जी। कैसा लगा बाय नेचर खेसारी लाल? नहीं, अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम इतना बात भी नहीं किए, और करता भी नहीं, जब तक कोई जानता नहीं अच्छे से मुझे, तो उसके सामने इतना कुछ करने के, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, मेरा ये आदत रहता है। खेसारी लाल कुछ कहना चाहता है माध्यम से? नहीं, खेसारी भैया जितना मेहनत करके आए हैं कि लगभग मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में नहीं आया होगा कोई। उनकी फिल्में देख के क्या तुम्हें लगता है? उनका फिल्म देख के लगता है कि एक्टर ऐसा होना चाहिए, अलाउंडर है वो, सारा एक्टिंग, कॉमेडी और एक्शन सभी करते हैं वो, कुछ हीरो ऐसे एक तरफा एक्टर होते हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में कौन सी अच्छी लगती है, एक्शन वाला या कॉमेडी वाला या रोमांस वाला? उनका लगभग एक्शन और कॉमेडी वाला मिक्स ही होता है सभी फिल्म जी। किस हीरो के साथ उसकी जोड़ी पसंद करते हो?
खेसारी जी का काजल राघवानी जी के साथ। कौन सी का? अक्षरा जी के साथ। दिनेश जी का? अमरपाली जी के साथ। अक्षरा, अमरपाली और काजल से कुछ कहना चाहोगे? अब मैं उनसे क्या बोलूं, बस यही कि अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो उन सभी को दीदी बोलता हूं कभी भी मेरा इंस्टाग्राम या भी वगैरह पे, क्योंकि मुझे बोला भी रानी जी ने भी बोला सर कि क्यों बोलता है, क्योंकि मैंने बोला आपके साथ मैं काम कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जब तक इतना बड़ा हीरो बनूंगा तब तक माँ का करेक्टर करने वाली आप होंगी, मैं बोला हूँ जी। क्या बोली रानी जी? कुछ नहीं, बस हंस देती हैं जी। काजल लगवानी साथ काम नहीं करोगे? करेंगे, लेकिन देखते हैं, किस्मत है कि उनके अपोजिट काम मिले मुझे। तो डांस कर लोगे? कंफर्ट रोग नहीं, अभी तो नहीं ऐसा लगता है, आगे का नहीं मालूम है। अच्छा। जी, अगर सामने से अमर पाली दुबे काजल लगवानी को ऑफर आए कि मेरे साथ गाना करो तो क्या कैसा लगेगा तुम? बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा डर भी लगेगा। अच्छा। जी, किस हीरो के साथ कंफर्ट फील करते हो आज के नए हीरो के साथ? नहीं, मैं तो लगभग जितनी भी स्टार है ना उनके साथ मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी जोड़ी बनी नहीं पा रही। कोई तो होगी? हाँ, निधि झा है और ये अपनी निधि झा। कौन सा गाना पसंद है? लुलिया सॉन्ग तो मस्त से ज्यादा चला है जी। और बर्फ के पानी जी? गाना भी गाते हो? मैं गाना नहीं गाता हूँ। अच्छा। जी। सभी को प्रणाम बोलना चाहता हूँ कि आशीर्वाद और दुआ कृपा बनाए रखें, बस यही सब। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।